नमस्ते, नमस्ते। हम ना इंदिरा नगर, न्यू इंदिरा नगर चंद्रायन गुट्टे में रहते हैं, और हमारे बाजू घर में बहुत बुरी तरीके से शॉर्ट सर्कुल हो गया। बहुत बुरी तरीके से अंगार लग गया। शादी होकर 2 साल हो रहा था उनका। उन लोगों को हिंदी बात करने नहीं आता, बल्कि मैं बात करके बोल रही। उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जहराबाद को गए हुए थे, नहीं थे उन लोग। उन लोगों के घर में लॉक रहने की वजह से घर का पूरा पूरा सामान जल गया उनका। कोई सामान नहीं बचा उनके पास, पका के खाने के लिए ना बचा, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा बचा, ना उनके पास बिछाने के सोने के लिए भी कोई चीज नहीं बची। और कब ये तकरीबन 5:30 बजे हुआ। कब हुआ नहीं मालूम, हम लोगों को 6:30 बजे मालूम हुआ। हुआ नहीं, शाम में, शाम में 6:30 बजे मालूम हुआ। तो पूरी बस्ती एक होके अंगार बुझाने के लिए देखे, मगर अंगार बुझी नहीं। इतना आग लगा कि कभी दिन हमारे लाइफ में नहीं देखे थे हम लोग। कैसा हुआ, कुछ आइडिया है? ये आइडिया शॉर्ट सर्कुल हुआ बोल के पुलिस वाले बोल गए, बोले देख के। फिर फायर रेंजर को फोन करे, फायर रेंजर आया, फायर रेंजर की गाड़ी से ही अंगार बुझे गई। मगर इन लोगों की जिंदगी जीने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा उसके क्या अंदर। नुकसान? नहीं, बोले तो 2 लाख रुपए कैश था उनके पास, 8 तोले सोना था कहते, उसमें से 5-6 तोले तो दिख रहा ही नहीं क्योंकि पूरा जल गया बोल रहे। एक दो चाइना खाली, 1-2 तोले या 3 तोले का चाइना बचे हुए दिख रहे, हाथ को दिखे उनको, बाकी का कुछ भी नहीं दिख रहा। पूरा सामान तो चम्मच से लेके गाड़ी के डब्बी तक समझो कुछ भी नहीं है वहां पे। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाँ, घर का डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, उनके खेत का पूरा डॉक्यूमेंट जल गया। खेत का डॉक्यूमेंट चल गया। और नीचे बड़े भाई रहते, बड़ी भाभी रहते, उन लोग भी सडनली जे भी हॉस्पिटल को गए हुए थे। बरल घर में कोई नहीं थे, 7-8 साल के बच्चे, 2 बच्चे बड़े थे, वो 2 बच्चे देख के पूरी बस्ती को जमा करे उन। और ये डर मैं क्यों बोल रही, वो तो घर के बाजू में मेरा घर लगे हुआ है। मेरा घर टीनों का है, गैस बस्ट होता तो, सिलेंडर बस्ट होता तो हम लोग भी नहीं बचते थे शायद। वो हालत में मैं उन लोगों को नहीं बोलने आ रहा, बल्कि हिंदी में मैं बात कर रही हूँ। कौन से पुलिस स्टेशन से आए थे? फायर चंद्रायन गुट्टा पीएस। स्टेशन आगे भेजा? हाँ, फायर रेंजर को भी हम लोग ही फोन करे, बस्ती के करे करे तक हमारी बच्ची फोन करे तो आ गए उन लोग। वो एक अच्छा हुआ है कि हमारे को बाबा नगर में फायर रेंजर की कंफर्टेबल सहूलत हो थी, मिल गया, सब बहुत अच्छी बात हुई। क्योंकि मेरा शॉप जले, जब ऐसी छुआ मेरे को नहीं मिला, पूरा राख हो गया था मेरा शॉप भी। अब इन लोगों का तो ऐसा हुआ, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी पूरी मदद करो, कोशिश करो, नहीं बोल के नहीं। क्योंकि जीना, घर बसाना, वो तो बच्चों का खेल नहीं है। वो कितने दिन मेहनत करने के बाद एक घर बसता, घर में सामान आता, वो हमारे को मालूम है क्योंकि हम वो मुसीबत उठाए। हमारे को पूरा पूरा समझ में आ गया क्या है जिंदगी, हम क्या कर सकते।